नमस्कार। सरहद पर नहीं चली गोली, कंटीले तार वाले लाठी डंडों से किया चीनी सैनिकों ने हमला। भारत और चीन के बीच लद्दाख बॉर्डर पर गलवान घाटी के पास हालत गंभीर हो गई है। सोमवार रात को यहां भारत और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई। इसमें भारत के एक अफसर और दो जवान शहीद हो गए। इस बीच सूत्रों की माने तो चीनी सैनिकों ने इस दौरान किले लगी लाठी से जवानों पर हमला किया। सूत्रों के माने तो जब बॉर्डर कमांडर की बैठक हुई तो उसमें तय हुआ कि PP14/15/17 पर चीन LAC के उस ओर जाएगा, लेकिन चीनी सैनिकों ने इसे मानने से इनकार किया। भारत की ओर से बार बार चीन को समझाया गया, चीन ने इस दौरान हमला किया। सूत्रों ने कहा कि चीनी सैनिकों ने भारतीय सैनिकों पर पत्थरबाजी की। उनके पास लोहे के नाल, कीले और लट्टी से भरे भारत के सैनिकों पर हमला किया। जो अफसर इस मामले को लीड कर रहे थे उन्हें इसी पथराव झड़प में काफ़ी गहरी चोट आई है। सूत्रों की माने तो भारत के 10 से 12 जवान घायल हुए हैं और चीन के भी इतने जवान गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हालांकि अभी पूरी तरह से सेना की ओर से आधिकारिक बयान दिया जाएगा, लेकिन इस बीच चीन ने उल्टा भारत पर इल्ज़ाम लगाना शुरू कर दिया है। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत की ओर से घुसपैठ की कोशिश की गई है, जिसके बाद दोनों देशों के सैनिकों से भिड़ंत हुई। अब हम भारत से अपील करते हैं कि एक तरफा एक्शन ना लें। इस पूरे मामले को लेकर भारतीय सेना की ओर से जारी किए गए आधिकारिक बयान में कहा गया है कि गलवान घाटी की सोमवार की रात को डी एक्लेरेशन की प्रक्रिया के दौरान भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हुई। इस दौरान भारतीय सेना के एक अफसर और दो जवान शहीद हो गए हैं। दोनों देशों के वरिष्ठ सैन्य अधिकारी इस वक्त इस मामले को शांत करने के लिए बड़ी बैठक कर रहे हैं। तो यही थी एक खबर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।